Amen. ये में 10 पानी अलग है अपने पास, दूसरा 5 पानी का अलग होता है। 10 पानी अलग के अंदर इसमें सब 10 जात का वनस्पति डालता हूँ, और इसके अंदर 10 पानी अलग इसको 40-41 डे उसको सड़ाता हूँ। अभी ये एक दवा छंट के छटकाव करके बाद में दूसरा मैं ये रेडी बनता है इसके अंदर, ये इसमें डालूंगा। माल देखिए कितना साफ है, देखते हैं। और ये में जो आंक होता है, हम गुजरात में आंकड़ा बोलता है, लेकिन आंक का वो है अपना कल्चर है, ये आंक का डाली डाल के उसको 10-12 दिन से सड़ाता हूँ आंक डाल के। इसमें 5 किलो आंक डाला है एक ड्रम के पीछे, उसको सड़ जाता है वो दवा। इसको मूड़ में भी दे सकता है और ऊपर छटकाव में डाल सकता है, तो उसका और रूप अलग हो जाएगा। जीवामृत ही है, जीवामृत उसको जीवामृत है, इसको वेस्टिक कंपोस्ट बुलाया जाता है। उसको मूलिया के आजू बाजू में 2-2, 4-4 लीटर देता हूँ हर महीने, और ऊपर छटकाव भी करता हूँ, जिसे झाड़ भी बहुत ऊंचा है और फल साफ आता है। ये देखो कितना बड़े बड़े फल आया, नीचे देखिए। ये भी वेस्टिक कंपोज है, जैसे भरा है अभी ये फल उतारने की तैयारी है, तो हम लोग अभी नहीं छाटा है उसको, 15 दिन पहले छटकाव किया है। और ये देखो अंदर कितना फल लगा है, दस पानी 10 वनस्पति जो होती है, जो गाय नहीं खाती है वो वनस्पति 10 उसको टुकड़ा करके एक ड्रम में डाल देता है, 200 लीटर का ड्रम में, उसमें बाद में 20 लीटर गौमूत्र डालता है, काऊ यूरिन, और इसका संडास है जो काऊ का वो भी 10 किलो डाल देता है, और 2 किलो में अंदर मिर्ची डालता है, जो चिल्ली जिसको बोला जाता है ना, लाल मिर्ची जिसको गर्म जास्ती तीखा होता है वही डालता है, और सिवाय लहसुन डालता है 1 किलो। बाद में लहसुन डाल के हम लहसुन डाला और बाद में अदरक डालता है 250 ग्राम, हल्दी डालता है 200 ग्राम, उसमें डाल के 41 डे उसको हिला के कंप्लीट कर देता है। 41 डे बाद में उसको 500 से 600 मिली एक 15 लीटर पंप में डालता है, तो अपना कभी भी जंतु में छिड़काव मारने से क्या होता है कि कोई भी जंतु इसमें बैठता नहीं है, कोई भाग गया नहीं तो बाकी नीचे गिर जाएगा, इतना ये पावरफुल है। तो अपने को छांट के गिरा सब डाल के अंदर जो होता है अपना ये, तो दूसरा दवा के पीछे खर्चा करना नहीं पड़ता है। दवा है वो बहुत वो चीज़ है, अपने को पैसा डाल के बहुत पागल बनाता है। ये दवा नहीं डाला है तो ये दवा मार के जीवामृत आँख के डालता हूँ, और ये अपना 10 पानी अलग डालता हूँ, कभी 5 पानी भी अलग का एक छिड़काव मारता हूँ, कभी अजमास्त्र करता हूँ। जैसे मेरे को कोई भी ऐसे मेरे को नहीं लगा कि इसमें रोग है, बस ये मेरा काम है। पहले ये जाली से मैं छान लेता हूँ ये जो माल है वो, और बाद में कपड़े की जाली से छांटता हूँ। देखो ये रहे, ये कपड़े के जाल है, ये
इस पे रख के ये डाल देता हूँ। बड़ा बड़ा कचरा इसमें निकल जाता है और बाद में छोटा कचरा इसमें निकल जाता है। ये देखो लकड़े का, बाद में एक लीम का लिम्बोड़ी होता है जो छोटा सा लीम का बीज, वो जो कच्चा होता है उसको बना के कूटता हूँ। उसको कूट के प्लास्टिक कंपोस्ट डाल के 200 लीटर में मैं भर देता हूँ। उसमें 40 से 50 किलो से 60 किलो डाल के वेस्टिक कंपोस्ट डाल के उसको सड़ाता हूँ। एक महीने के अंदर वो जो इतना शक्तिशाली कल्चर बन जाएगा कि उसमें आधा लीटर डाल के मैं छाटेगा छिड़काव करे कोई भी ईयड़ के कोई भी जंतु नीचे गिर जाएगा, वो मरी जाएगा, बाकी वो खा नहीं सकता। ऐसे है हम लोग ये करता हूँ। लास्ट 4 साल हो गया, मेरे को कोई ऐसे नहीं बोला कि लालजी भाई तो क्या मरता। हर आदमी बोलेगा कि आम का झाड़ इतना तो बड़ा जल्दी हो जाता है और इतना गट्टी, ये देखो पान, ये है ना बड़ा बड़ा पान निकलता है। तो मेरे को कोई ऐसे नहीं लगता कि कोई आदमी ऐसे बोला कि लालजी भाई तू दवा नहीं, ये पेस्टिसाइड नहीं वापरता तो भी इतना तो कैसे होता है, और रासायनिक खातर नहीं डालता तो मैं कुछ नहीं डालता हूँ, मेरे को डालने का नहीं है। थोड़ी मेहनत इसमें बढ़ जाती है पर मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। दो आदमी रख लिया है, वो बनाना छटवा करना थोड़ा जरूर पड़े तो मैं मदद करता हूँ, बाकी मेरे को कोई ऐसे छटकाव करने का बीजा दूसरा कोई पेस्टिसाइड डालने का जरूर नहीं है। बाकी ये घास है जो आम के अंदर छोटी छोटी चांद लगती है तो बस वो आता है, इसलिए मेरे को कोई आपको बताऊंगा कि कोई कोई धागी आती है, इधर धागी आती है तो जो घास होएगा ना उसमें क्लाइमेट ठंडा होगा तो वो नहीं आएगा, नहीं तो हमारे पास सूखा हवामान है तो इसलिए मेरे को सूखा हवामान के पीछे जो आता है ना अपना गर्मी लगती है, तो एक बाजू धूप की गर्मी लगती है तो वो अपना अंदर काला धब्बा हो जाता है, इसलिए अभी मैं कोई भी घास निकालता नहीं हूँ। अभी जो आम पूरा निकल गया, अभी हफ्ता में निकलने वाला है, साँख गिरा है, इसको निकाल के फिर वो थोड़ा आमा की कटिंग करेगा, बाद में रोटावेटर गिरा के सब घास को अंदर डाल देता हूँ। मेरे को ये जो आम का पत्ता पड़ा है वो सब ज़मीन में बैठा देता हूँ, उसका खाद बन जाता है। उसके ऊपर वेस्टिक कंपोस्ट डालूंगा कि जीवामृत डालूंगा, वो सब ये खाद के लिए काम करेगा। देखो कैसे पड़ा है, और गैस बीच में खेड़ दे, अंतर खेड़ करता हूँ जो चलाता हूँ, और अंदर दूसरा कुछ इधर में तरफ करने का जरूर नहीं होता है। ठीक है, मैं इतना मेरे को प्रैक्टिकल हूँ कि बाकी किसी को भी बोलना नहीं पड़ता है। हर भी कोई भी होता है मैं पेस्टिसाइड बैन कर दिया, मेरे पास नहीं डालने का है। चलो ठीक है, ये वीडियो मैं पूरा करता हूँ।